इस अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पहले मोदी जी आते थे चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो ये तो मजाक होगा। और वो किसी भी स्टेज में कर्नाटक में, क्या हिंदुस्तान में ये भाषण नहीं दे सकते? आज कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है। आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो था, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं, वो दूसरे देशों को देखकर अपना प्लान बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के माइंड में है कि भैया देखो, साउथ कोरिया ने क्या किया, हमें भी करना चाहिए। वो बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ, हमें वैसे बनना है। उस प्रकार से काम नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले यह पहचानना है कि हम हैं क्या और यहां क्या चलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो इन्होंने तोड़ी है, इसका रिजल्ट अगले 2-3-4 साल में आएगा, और भयंकर भयंकर रिजल्ट। देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कलैप्स हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी, वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है, और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी, ये है। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर
इंडिया की हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, गलत फहमी में। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।